सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे वीएस राजपूत यूट्यूब चैनल में नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्या जानने वाले, ये आपने तो थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा वीडियो के बारे में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि जब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्जिंग में लगाओगे तो उसमें आपकी इमेज आ जाएगी। वो आपकी लगाओ या अपनी जीएफ की लगाओ, किसी की भी आप इमेज इसमें लगा सकते हो। तो ये सब कैसे करना है और क्यों करना है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि मेरा नया नया अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको। तो फ्रेंड्स, इतना सब करने के बाद आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ सर्च करना होगा बैटरी चार्जिंग फ़ोटो, और बैटरी चार्जिंग फ़ोटो सर्च करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह का आपका एक एप्लीकेशन आएगा। इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना। मैं फटाफट इसको इंस्टॉल कर लिया है, बट ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का विंडो सामने आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये कुछ इस तरह का ओपन हो गया है, और उसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं तीन ऑप्शन मिल गए, क्रिएट इमेज, वेव सिटिंग, माई इमेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्रिएट इमेज पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको गैलरी चूज करना है, और यहाँ पर अपना गैलरी में आके कोई फोटो उठाते हैं। मैं चलो ये सपोज दैट ये फोटो लिए ले रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ से इसको सही करना है अपना रेशियो लगा के। और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारा ऑप्शन है। यहाँ टेक्स्ट से यहाँ से कुछ लिख सकते हैं, इसमें जो भी मन हो आपका वो लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख ले रहे हैं, यहाँ कुछ इस तरह का देख सकते हैं आप। ये सब लिख के इसमें कलर कर देते हैं, यहाँ पर से इसका कैपेसिटी घटा बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर से इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, और शैडो है जो भी अपना करना है, यहाँ पर से आप अपना बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आना होगा स्टिकर, स्टिकर देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टिकर्स हैं यहाँ। तो यहाँ पर हम ये स्टिकर लिए लेते हैं और इसको ऐसे रख दिए देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हो गया, और यहाँ पर इसको फाइनली सब कुछ करने के हिसाब से अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ फाइनली आपको सेव पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर यस कर देना है। और सेव करने के बाद कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर से आप अपने इसकी स्पीड, वेव, एम्पलीट्यूड जो भी इसकी जो ये देख सकते हैं ब्लू कलर का ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर से इनका लेंथ है जो है, स्पीड है, ये यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं आप ये स्पीड यहाँ से। इस इतना सारा करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सीधा सिंपली सही पर क्लिक कर देना, और ओके यस सेट पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है कि चार्जिंग में लगाओ, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चार्जिंग में लगा देते हैं। इसके लिए अब हम चार्जर लेके आते हैं अपना, और इसको चार्जिंग पर लगाते हैं। ये देखो फ्रेंड, चार्जिंग में लगाने के बाद हमारा कुछ इस तरह का दिखने लगता है। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो या अपनी जीएफ की फ़ोटो या कोई भी आप वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो यहाँ चार्जिंग ऑन, और ये इस तरह का कुछ वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना यार, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत सारी मेहनत लगती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लगी ना इंटरेस्टिंग, तो इसी तरह की टेस्ट से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए ना सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा नया नया वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। और वीडियो हमारी कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।